मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन इज राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स सम इज -7 -7 प्लस करने पर सम इट मींस प्लस करने पर आंसर हमको -7 मिले ऐसे कोई भी टू डिजिट्स हमको लेना है अब आंसर हमारा -7 चाहिए तो हम लोगों ने लिया सपोज -10 प्लस 3 यहाँ पर सम है इसके लिए यहाँ पर हमको प्लस का साइन चाहिएगा अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर होगा -7 इसी टाइप से आप कोई दूसरे डिजिट्स भी ले सकते हो देन यहाँ पर सपोज ये भी ले सकते हो भी -8 प्लस 1 तो भी यहाँ पर आंसर हमारे पास -7 आएगा इस टाइप से कोई भी आप पैर ले सकते हो सेकेंड है डिफरेंस इज -10 डिफरेंस इज -10 इट मीन्स यहाँ पर हमको बीच में साइन क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए और आंसर हमको 10 चाहिए तो यहाँ पर अगर हम माइनस ले सपोज ये 6 -6 एंड -4 किया हमने तो ये हो जाएगा हमारा -6 -4 इज इक्वल टू -10 यहाँ डिफरेंस का साइन भी आ गया और आंसर हमको -10 भी मिल गया इसी टाइप से आप दूसरा कोई भी पैर चूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सम इज जीरो इट मीन्स आप कोई भी नंबर लो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स लोगे तो वहां पर आपको आंसर जीरो मिलेगा इट मीन्स अगर 3 -3 किया सम है यहाँ पर तो हमने -3 + 3 किया तो हमको आंसर जीरो मिलेगा और कोई भी ले सकते हो जैसे -5 + 5 लोगे तो भी आंसर जीरो मिलेगा इस टाइप से आप कोई भी पैर चूज कर सकते हो हमको आंसर क्या चाहिए जीरो और बीच में क्या होना चाहिए प्लस का साइन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8 अब नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लेना है हमको जिसका डिफरेंस हमको 8 दे अब नेगेटिव पेयर हमको चाहिए मतलब दोनों जो दो पेयर लेंगे नंबर हम दोनों भी नेगेटिव नंबर्स होना चाहिए और उसका डिफरेंस हमारे पास आंसर हमारा 8 आना चाहिए सपोज हमने लिया -2 एंड 8 आना चाहिए तो हमने लिया -10 और यहाँ पर हमारा आंसर क्या चाहिए हमको ये डिफरेंस तो यहाँ पर भी हमको माइनस का साइन चाहिए तो ये -2 -+10 तो 10 में से 2 माइनस करेंगे आप तो 8 आंसर आ जाएगा इस टाइप से और भी दूसरा कोई भी आप पैर चूज कर सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5 तो हमको यहाँ एक नेगेटिव लेना है और दूसरा पॉजिटिव लेना है और जिसका सम मतलब बीच में हमारा प्लस का साइन आना चाहिए तो हमने एक नेगेटिव नंबर लिया सपोज लिया हमने हमको नेगेटिव सम इज -5 -5 है तो हमको बड़ा नंबर माइनस में होना चाहिए ताकि हमको आंसर इसमें मिले अब पॉजिटिव लेना है और बीच में हमको प्लस चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर हमने अगर 5 लिया तो 10 में से 5 माइनस करेंगे हम हमारे पास -5 आंसर आ जाएगा इसी टाइप से आप दूसरा भी पैर चूज कर सकते हो सपोज आप यहाँ पे -7 ले सकते हो +2 ले सकते हो तो भी ये -5 आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है ये नेगेटिव इंटीजर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन जाना हमको क्वेश्चन में जैसा हमको बताया उसी टाइप से हमको यहाँ सॉल्व करना है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -3 तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर लेना है और पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस इज -3 मीन्स हमको माइनस बीच में पहले हमको नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव बिगर नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि आंसर हमको नेगेटिव में मिल रहा है तो हम क्या लें